हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। मैं हूं अमित, आप देख रहे हैं हैप्पी होम्स इंडिया। आज हम जिस प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है एलिगेंट विले, जो कि लोकेटेड है टेक जोन 4 नोएडा एक्सटेंशन में, जिसे अपेक्स फ्लोरर ग्रुप के द्वारा टेक ओवर किया हुआ है। अगर मैं लोकेशन की बात करता हूं तो ये लोकेशन टेक जोन 4 नोएडा एक्सटेंशन की लोकेशन आती है। कनेक्टिविटी की बात करता हूं तो आप इसे दो तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। पहला, आप गौर चौक से राइट लेने के बाद नेक्स्ट करीब 1 किलोमीटर चलते हैं, देन अगेन आप लेफ्ट लेते हैं तो करीब 300 मीटर चलने पर ये प्रॉपर्टी आती है। दूसरा, आप सेकेंड गोल चक्कर, जिसे हम एक मूर्ति गोल चक्कर भी बोलते हैं, वहाँ से हम राइट लेते हैं, देन करीब 300-400 मीटर चलते हैं, देन ये प्रॉपर्टी आ जाती है। अब हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की। ये जो प्रोजेक्ट है करीब 3-4 साल से बंद था। कुछ टावर्स में ऑलरेडी यहाँ पर फैमिलीज रह रही हैं। बिल्डर की फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब होने की वजह से ये प्रोजेक्ट NCLT में चला गया था। NCLT से ये प्रोजेक्ट अपेक्स ग्रुप को हैंडओवर हुआ है। यहाँ पर आपको 2 BHK एंड 3 BHK के कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाते हैं। ये टोटल 5 एकड़ का प्रोजेक्ट है, टोटल 6 टावर आते हैं। यहाँ पर आपको 2 एंड 3 BHK कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं। 2 BHK में 970 स्क्वायर फीट का सबसे छोटा साइज है, 2+ study में 1025 स्क्वायर फीट का, 3 BHK में 1395 स्क्वायर फीट का साइज आता है, और 3 BHK+ servant में आपको 1565 स्क्वायर फीट के सेगमेंट देखने को मिल जाते हैं। एक फ्लोर पर 6 फ्लैट का कॉन्सेप्ट आ जाता है, 16 और 24 फ्लोर की हाइट आती है। ये पूरा पोडियम बेस्ड प्रोजेक्ट है। MTs अभी वर्किंग नहीं है, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं। अपेक्स ग्रुप की बात करता हूं तो अपेक्स एक रिनॉन डेवलपर है नोएडा का, जिसने एन नंबर ऑफ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट ऑलरेडी नोएडा एक्सटेंशन, नोएडा, गाजियाबाद में डिलीवर किए हुए हैं, और यह प्रोजेक्ट ही इस प्रोजेक्ट को हैंडओवर कर रहा है। जैसा कि सामने आप देख रहे हैं, करीब 4 टावर्स में ऑलरेडी फैमिलीज रह रही हैं। पार्क का भी काम अप्रॉक्सीमेटली कम्प्लीट है। अभी क्लब यहाँ पे ऑपरेशनल नहीं है, स्विमिंग पूल वगैरह बना हुआ है लेकिन ऑपरेशनल नहीं हुआ है। सराउंडिंग बिन सिटी में अगर मैं अपार्टमेंट की बात करता हूँ तो नंबर ऑफ अपार्टमेंट और सोसाइटीज़ में फैमिलीज़ रह रही हैं, और इसके अलावा यहाँ पे आपको करीब 3 से 4 स्कूल आपके डोर स्टेप पर मिल जाते हैं, जिसमें रियान पेसिफिक बर्ड स्कूल, सर्वोत्तम बर्ड, इसके अलावा श्रीराम यूनिवर्सल स्कूल। इसके अलावा हॉस्पिटल की बात करता हूँ तो करीब 3 हॉस्पिटल आपके प्रोजेक्ट से अप्रॉक्सीमेटली करीब से 3 से 4 किलोमीटर की रेडियस पे आ जाते हैं। अगर मैं डीमार्ट की बात करता हूँ तो डीमार्ट यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली आपको करीब 0.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर आ जाता है। सराउंडिंग बिन सिटी में नंबर ऑफ रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल ऑलरेडी वर्किंग है। स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट रेडी है, फिनिशिंग पे बिल्डर यहाँ पे काम करेगा। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, सारे टावर्स का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट कम्प्लीट है, तो कुछ टावर्स में लिफ्ट लगना स्टार्ट कर दी हैं। अगर मैं पोजीशन की बात करता हूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 1 साल में इस प्रोजेक्ट का पोजीशन हो जाएगा। यहाँ पर आपको इन्वेंट्री 970 स्क्वायर फीट में मिल जाती है और 1025 में मिल जाती है, 1395 स्क्वायर फीट में इन्वेंट्री देखने को मिल जाती हैं, 1565 स्क्वायर फीट में आपको 2000 फ्री अपार्टमेंट देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको चॉइस की इन्वेंट्री देखने को नहीं मिलती है। इस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टेड रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो और नोटिफिकेशन वाली बेल जरूर बजा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोज का अपडेट आप तक पहुँचता रहे। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट commercialdekho.com को भी विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन, नोएडा एक्सप्रेस वे, यमुना एक्सप्रेस वे, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के एन नंबर ऑफ कमर्शियल प्रोजेक्ट के अपडेट देखने को मिल जाते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।